दोस्तों आपका स्वागत है मॉड्यूल 1 पाइथन फॉर बिजनेस इन हिंदी भी स्टार्टेड। एंड इसमें हम लोग हर चीज, जैसे कि अपना नाम है चैनल का, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो हर चीज वेरी स्क्रैच से हम लोग देखेंगे। तो पाइथन की शुरुआत हम लोग करेंगे व्हाट इज पाइथन से। ठीक है, तो क्या है पाइथन? देखिए, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय जूडो वैन रोसम। ये जो है शख्स यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका नाम ये है जूडो वैन रोसम, पर उन्होंने पाइथन को डेवलप किया है खुद के 20 फरवरी 1991। ठीक है, मतलब हम लोग को लगता है कि अभी इन दोनों में पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, तो इन्वेंट एक्चुअली हुआ है 1991 से, और अभी जो चल रहा है वो पाइथन 3 चल रहा है। दोस्तों पाइथन तो कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सर्विस से खत्म कर दिया, पर पाइथन 3 अभी चल रहा है, पाइथन 3.8 और 3.9 कुछ तो चल रहा है अभी फिलहाल। तो इन दिनों में इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन क्यों बढ़ गया होगा? क्योंकि जब प्रीवियस डेज थे तब कंप्यूटेशन थोड़ा कम था, कंप्यूटर्स तो चलते थे पर उसका कंप्यूटेशन पावर थोड़ा कम था, और डेटा प्रोसेसिंग के हिसाब से कंप्यूटर्स इतने अच्छे नहीं थे, मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और रैम रोम इतना अच्छा नहीं था। पर इन दिनों में उस वो कंप्यूटेशन इज नॉट अ बिग डील, कंप्यूटेशन इतना कुछ कोई बड़ा चीज नहीं रहा, और पाइथन जो है वो डेटा प्रोसेसिंग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसकी वजह से अभी कंप्यूटेशन का प्रॉब्लम नहीं, पाइथन भी डेटा प्रोसेसिंग में काम करता है, डेटा भी तो होता है, एनालिसिस की भी जरूरत है, तो इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन आज के डेट में बहुत बढ़ गया। यही एक रीज़न नहीं है कि पाइथन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और भी रीजन्स है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या है पाइथन, कहाँ से इन्वेंट हुआ पाइथन, मतलब नाम कैसे पड़ गया पाइथन का? पाइथन तो उन दिनों में बीबीसी टेलीविजन पे एक कॉमेडी स्केच सीरीज चल रहा था जिसका नाम था मॉन्टे पाइथन फ्लाइंग सर्कस। अपने रोशम भाई ने उससे इंस्पायर होके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ही पाइथन रख दिया। पाइथन कोई स्नेक का नाम नहीं है, हमारे दिमाग में जब भी हम लोग पाइथन सुनते हैं तो एक पाइथन स्नेक आ जाता है, तो वो उससे स्नेक से इंस्पायर होके नहीं, बल्कि एक जो शो था कॉमेडी शो उससे इंस्पायर होके नाम रख दिया। फिर भी क्या है पाइथन? पाइथन क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि काम में आते हैं वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करने के, या तो कोई काम है सॉफ्टवेयर का वो ऑटोमेट करने में, समटाइम्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए, समटाइम्स नहीं मेनी टाइम्स डेटा प्रोसेसिंग के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए भी हम लोग पाइथन का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या है फिर ये? जनरल पर्पज लैंग्वेज है, इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इजंट स्पेसिफाइड फॉर एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ओके, ये वर्साटाइल लैंग्वेज भी है, बिगिनर फ्रेंडलीनेस है इसका, बहुत ज़्यादा मतलब वो सीखने में ज़्यादा कुछ आपको टाइम नहीं लगेगा, आप बिगिनर हो तो आप फ्रेंडली रह सकते हो उसको। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इट इज एज गुड एज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो ऐसा ही आपको लगेगा जब आप कोड करोगे। कंप्यूटर को हम लोग जैसे मशीन के साथ बात कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, मतलब इंग्लिश वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ऐसे ही आपको लगेगा जब भी आप कोड करोगे तब। इट इज मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेजेस टू यार, हमें पता ही है, पाइथन का नाम सुनते बराबर पहले दिमाग में आता है कि यस, पाइथन का नाम तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही है, बहुत ज्यादा लोग उसका यूज करते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होता इतना तो हर किसी को ऑलमोस्ट पता ही रहता है, कितना वर्सेटलिटी है इसका। ठीक है, पाइथन कहाँ पे यूज होता है? पहला तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया डेटा एनालिसिस, और फॉर डेटा एनालिसिस हम लोगों को वेरियस मशीन लर्निंग टेक्निक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक्स है दोस्तों, तो वो यूज करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, और पाइथन में वो मशीन लर्निंग टेक्निक्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं जिससे डेटा एनालिसिस हो सकता है और बेस्ड ऑन डेटा हम लोग कुछ डिसीजंस भी ले सकते हैं।
ओके, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलप करनी है या तो फिर वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, तो स्क्रिप्टिंग है और कुछ चीज़ को ऑटोमेट करना है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग ऑटोमेशन, पाइथन ऑटोमेशन या तो फिर कोडिंग का ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हम लोग पाइथन का कोड बना के कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, इसके लिए भी पाइथन यूज में आता है, प्रोटोटाइपिंग के लिए भी पाइथन यूज में आता है, और एवरीडे टास्क में पाइथन ऐसी तरह से यूज में आता है। पाइथन इज हैविंग वेरियस फीचर्स दोस्तों, इट इज इजी टू लर्न एंड रीडेबल लैंग्वेज। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड पढ़ते हैं ना, कोड पढ़ते हैं तो हम लोगों को इजीली समझ में जाता है, कोड लिखना भी है तो हम लोग इजीली इंग्लिश की तरह से लिख सकते हैं, टू लर्न इट इज एक्सट्रीमली इजी। देन सिंटैक्स इज सुपर सिंपल, मैंने पहले बोला है। और आपको कुछ लगता है कि कुछ हम लोग पाइथन कोड कैसे बनाते हैं या कैसा बनता है, अगर अगर आप देखना चाहते हो तो हमारा और एक ये है, सीरीज है जिसमें जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें जाके आप ओवर लुक कर सकते हो कि पाइथन कोड बनता कैसे है। इसमें बहुत सारे वीडियोज हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन के लिए कैसे बनाते हैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट अगर छोड़ दिए तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो दिस लर्निंग कर्व ऑफ द पाइथन इज वेरी वेरी सिंपल एंड स्मूथ। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सिंपल रहता है और इंडेंटेशन यूज होता है, मतलब ऐसे कर्ली ब्रेसेस, बहुत ज्यादा ब्रैकेट में ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर अगर हम लोगों को से फॉर एग्जांपल एक लूप बनाना है तो हम लोग अदर लैंग्वेजेस में कैसे करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और जो भी वो ब्रेस में रहेगा वो लूप के अंदर रहेगा, तो इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं। इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, दूसरा जो फीचर है इसका। दो टाइप्स के लैंग्वेजेस होते हैं दोस्तों, एक तो होता है कंपाइलेशन लैंग्वेज, कंपाइलर रहता है उसके अंदर और वो कंपाइल करके कोड, पूरा कोड पहले कंपाइल करता है, उसके बाद में इसमें कुछ एरर है तो हमें बताता है। पर पाइथन इज नॉट अ कंपाइलर लैंग्वेज, इट इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ कंपाइलर देयर इज अ इंटरप्रेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज डायनामिकली टाइप। अच्छा, डायनामिकली टाइप मतलब क्या है, देखिए हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको डिफाइन करना पड़ता है। आप कोई भी वेरिएबल वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हो तो उसको बताना पड़ता है कि इंटीजर है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है, यह है क्या, ये आपको वो वेरिएबल का वैल्यू देने से पहले हम लोगों को क्या डिसाइड करना पड़ता है, उसका कौन से टाइप का डेटा टाइप का वेरिएबल है वो डिफाइन करना पड़ता है अदर लैंग्वेज में। पर पाइथन में इस करने की जरूरत नहीं है, तो हो गया फिर से सिंपल। पाइथन में अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हो तो वो वैल्यू अपने आप वो पहचान लेता है, वो वैल्यू के हिसाब से पाइथन की ये कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल है, तो ये हुआ डायनामिकली टाइप, ऑटोमेटिकली उसका ये बदल जाता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोग्रामिंग करके कि रियली है क्या। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक, जो अभी ये क्या है, जुपिटर नोटबुक का एक स्क्रीन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इस वेरिएबल का से फॉर एग्जाम्पल नाम क्या है, इस वेरिएबल का नाम ये है और ये में मैं स्टोर कर रहा हूँ 10 नाम की वैल्यू, और मैं इसको रन करूंगा। जैसे ही रन करूंगा इसमें कुछ एरर नहीं आया, खाली ए को 10 वैल्यू मिल गया, कुछ एरर क्यों नहीं आया, कुछ एरर नहीं आया क्योंकि अदर लैंग्वेजेस में अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को बताना पड़ता है कि यस ये इंटीजर है, उसके बाद में ये में हम लोग कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। पर अगर मैं देखता हूँ कि सही में ए का टाइप क्या है, व्हाट इज टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए का टाइप इतना सिंपल तरीके से मैं देख सकता हूँ, देखिए ये बता रहा है इंटीजर टाइप है,
पहले ये था क्या? कुछ भी नहीं था। पहला पहला कोड मैंने पहला लाइन कोड रन किया है। ए का टाइप क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये था ही नहीं, ये डिफाइन हो गया यहाँ पे। इतना ही नहीं, ये भी डिफाइन हो गया और उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ले लिया है पाइथन ने एज इंटीजर। मैं अगर बाद में जाके उसको फ्लोट वैल्यू को स्टोर करता हूँ और अब फिर से मैं रन कर रहा हूँ, 3 नंबर आ गया वहाँ पे, तो अभी डेटा टाइप क्या है? देखिए फ्लोट हो गया। अभी मैं ए को डिफाइन करके उसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डालता हूँ, एबीसी ऐसा कुछ स्ट्रिंग डाल देता हूँ और फिर से टाइप ऑफ ए देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये स्ट्रिंग। देखिए पाइथन क्या कर रहा है, अपने आप ये कौन से टाइप का है ये बता रहा है। इस चीज को ही क्या बोलते हैं, डायनामिकली टाइप। पाइथन इज डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस बहुत से कम लैंग्वेजेस है जो भी डायनामिकली टाइप है। ओके हम लोगों ने देख लिया, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं वेरिएबल का डेटा टाइप, ठीक है। और ओके ये किसका जॉब है, या ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप पहचानने का? ये इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर वैसा है, वो काम करता है। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि इट इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो करंट टाइम में वो पहचान लेता है, बदलते हैं तो बदल भी जाते हैं, हम लोगों ने वो भी देखा। ये तो ओपन सोर्स एंड फ्री, अब्सोल्युटली आपको कुछ भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। पाइथन आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, उसके आईडीज डाउनलोड कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा और वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएगा। सो इट इज व्हाट इज ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ओपन सोर्स भी है और फ्री में भी है, कम्युनिटी ऑफ पाइथन जो है वो उसको कंट्रीब्यूशन देके डेवलप करते रहता है। ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज मैं बोल सकता हूँ इसको कि इट इज हैविंग वेरी लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सपोर्ट। देखिए इसमें क्या है, बहुत सारी जो हर चीज़ हमें लिखने की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं लाइब्रेरीज का। और वो लाइब्रेरीज क्या करेंगे आपको, लाइब्रेरीज आपको वो कोड का पार्ट ऑफ कोड बना के देगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर टूल, फंक टूल्स, या तो फिर एस के लर्न बोल के एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा पैकेज है जिसमें कि हम लोग क्लासिफिकेशन और डेटा एनालिसिस के रिलेटेड देख सकते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए और भी बहुत बड़ा लाइब्रेरी सपोर्ट है, मैटप्लॉटलिब बोल के है, सीबोन बोल के लाइब्रेरी है। तो बहुत सारे लाइब्रेरीज पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ट है जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन डायरेक्टली फॉर द एप्लीकेशन ले सकते हैं। इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज एंड इनेबल्स प्रोग्राम टू राइट प्रोग्राम दैट आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ओके ये भी देखने वाले हैं, यहाँ पे भी बता दिया उन्होंने कि हाई लेवल लैंग्वेज है तो यूजर फ्रेंडली भी है ये। दिस लैंग्वेजेस से हाई लेवल सिंस दे आर वेरी क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड फार अवे फ्रॉम द मशीन लैंग्वेजेस। मशीन कोड और हाई लेवल लैंग्वेज दो टाइप रहते हैं, और मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज रहते हैं। मशीन कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन में समझ में आने वाला कोड रहता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में इट इज एज गुड एज द ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज। ये बहुत ही अच्छा हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद में इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फीचर्स आर देयर विद द पाइथन। तो हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करना है, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करना है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो वो ऑल फीचर्स आर देयर इन पाइथन। हम लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं भी करना है तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, या तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूटिलाइजेशन करना है प्रोग्रामिंग में। और इंडस्ट्रीज में अभी के दिनों में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बहुत ही पॉपुलर है जिसमें ओप्स या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूटिलाइजेशन होता है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये ऑल द कॉन्सेप्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, सॉरी ओपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो उसको पाइथन सपोर्ट करता है। ओके ऑलरेडी हम लोग इस पे भी थोड़ा सा बात कर चुके हैं कि इट इज हैविंग कम्युनिटी सपोर्ट आल्सो, लार्ज कम्युनिटी इज देयर, इट इज द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑन स्टैक ओवरफ्लो एंड मीटअप। Python has gained its popularity over the years. Okay. आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेरी आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी में डाल सकते हो और उसका आंसर दुनिया के हर कोने में से लोग उसको
उसका आंसर दे देंगे, या तो फिर आपका जो क्वेश्चन है उसका ऑलरेडी उस कम्युनिकेशन में या उस डिस्कशन में आपको आंसर मिल जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। ओके, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी आई हैव बीन आंसर, राइट? इट इज अ कम्युनिटी सपोर्ट इज अनदर एडवांटेज विद कैंसर और फ्यूचर। ओके, ये अगेन एक इम्पोर्टेंट फीचर आ गया है, या फिर क्या बोलता है, अमेजिंग फीचर रखता है। देखिए, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोड है आपके पास जो विंडो में डेवलप किया है और उसको मैक में रन करना है आपको, तो डायरेक्टली वो रन हो जाएगा। लिनक्स में रन करना है तो हो जाएगा। या तो वैरायटी ऑफ डेवलपर्स है, दो चार पांच डेवलपर्स है, उनका प्लेटफॉर्म अलग अलग है, एक का मशीन विंडोज है, दूसरे का मैक है, दूसरे का लिनक्स है, और हर कोई अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर रहा है, और इधर का उधर अगर कोड चलाए तो चलेगा क्या? कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें नहीं चलेगा, पर पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसमें चलेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी पाइथन नहीं रखती। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड। देखिए, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है कि आपका कोड एम्बेड हो जाए किसी और लैंग्वेज के साथ, या तो एक्सटेंशन करना पड़े किसी और लैंग्वेज के साथ, तो ये भी पाइथन सपोर्ट करता है। तो ये हो गए दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया फीचर्स ऑफ पाइथन, जिसमें हम लोग समझ पाए हैं थोड़ी बहुत की व्हाट इज पाइथन, और हम लोग आगे इस सेशन के एंड को, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, या तो इसमें कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करोगे, हमें पता है, हमें विश्वास है आपके ऊपर। मिलते रहेंगे इस कड़ी के नेक्स्ट एपिसोड में, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे पाइथन में इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं, तो बनाने का तरीका क्या है, और इंटरप्रेटर्स में हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी के लिए रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।